आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें कि ABC एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की भुजाओं के 2/5 गुनी है, जहां ABC त्रिभुज ABC की भुजाएं 3, 5 और 6 सेमी। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी, और दूसरा त्रिभुज ज्ञात करना जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं के अनुपात की 2.5 यानी 5/2 के अनुपात की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजाएं 3, 5 और 6 है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 6 सेमी। तो हम क्या करते हैं, AB बराबर एक 6 सेमी की एक रेखा खींचते हैं। तो देखो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो 6 सेमी कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ तक ये एक रेखा खींचते हैं। तो ये हमने AB बराबर 6 सेमी की रेखा खींची। दूसरी भुजा हमारे पास कितनी है? 5 सेमी। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 5 सेमी तक खोलेंगे। तो ये 5 सेमी का प्रकार हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु ए पे प्रकार को रखेंगे और एक चाप काट देंगे। इस चाप पे जितने भी बिंदु स्थित है वो बिंदु ए से 5 सेमी की दूरी पे। अब देखो दूसरी जो तीसरी भुजा है वो 3 सेमी की है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 3 सेमी खोलेंगे। तो देखो ये वाली दूरी कितनी है हमारी, 3 सेमी। और बिंदु बी पे रखेंगे और चाप घुमा देंगे, जहाँ चाप कटेगा वहाँ बिंदु हो जाएगा हमारा सी। अब हम क्या करते हैं, ए को सी और बी को सी से मिलाने वाली रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गई ए को सी से मिलाने वाली रेखा। देखो रेखाएं खींचते वक्त हमें पूरा ध्यान रखना है कि रेखाएं बाहर अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ए को सी से मिलाने वाली रेखाएं ये हो गई। ठीक है, अब देखो हमने ये बड़ी रेखा क्यों खींची वो भी हमें देखेंगे। फिर हमें बी को सी से मिलाने वाली रेखा खींचते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है, ये त्रिभुज हमने ABC तो बना लिया, ये भुजा है 5 सेमी और ये 3 सेमी। अब देखो हमें क्या दिया हुआ कि इसके 2.5 यानी 5/2 के अनुपात वाला त्रिभुज बनाना है। तो इसके अनुपात का देखो 5/2 यानी इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा यानी जो AC डैश बनेगी वो AC से बड़ी होगी। तो हमने क्या किया, अब सबसे पहले ही AC को बढ़ा लिया और हमें ये भी बताया कि AB डैश भी AB से बड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, AB को भी बढ़ा लेते हैं आगे तक। ठीक है, ये हमने AB को कहीं बढ़ा लिया। ठीक है, अब 5/2 के अनुपात में तो हम क्या करेंगे, ए पे एक न्यून कोण बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, 5 चाप काटेंगे। ठीक है, तो ये हमने ए पे एक न्यून कोण बना लिया। अब हमें 5 चाप काटने, तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहला चाप ए से कटेगा, ये काट दिया, फिर पहले चाप से कटेगा, ये काट दिया, फिर दूसरे चाप से कटेगा, 3 चाप हुए, 4 चाप और 5वां चाप। ठीक है, तो देखो ये 5 चाप हमने काटने थे, उसके लिए अब देखो 5वें चाप के लिए रेखा को फिर से आगे बढ़ाते हैं और जो ये चाप कटे उन बिंदुओं को हम देते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। 5 चाप हो गए। अब हमें 5/2 के अनुपात में यानी बड़ा त्रिभुज बनाना, तो हम क्या करेंगे, A2 को B से मिलाएंगे। ठीक है, अब A2 को B से हमने मिला दिया। अब क्या करना है कि A2B यानी A2B जो रेखा है उसके समांतर हमें रेखा खींचनी है A5 से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, समांतर रेखा के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार को थोड़ा खोलेंगे, बिंदु A2 पे रखेंगे और एक ऐसा चाप काटेंगे और वैसा का वैसा ही चाप A5 पे रखेंगे और एक चाप काट देंगे। अब क्या करेंगे कि जो ये जो चाप कटा है इसको हम बिंदु को नाम देते हैं A2 और इसको हम देते हैं A5। अब क्या करेंगे कि जो A2 है वहाँ से हम इस चाप को, इस चाप ने जहाँ इस रेखा को काटा है वो लंबाई ज्ञात करेंगे। तो वो लंबाई कुछ ये हो गई और उसी लंबाई का चाप हम A5 पे रख के इस चाप पे काटेंगे। अब ये चाप जहाँ कटा उस बिंदु को हम A5 नाम देते हैं और इसको मिलाने वाली और A5 को मिलाने वाली रेखा हम खींचते हैं। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, A5 और A5 को मिलाने वाली रेखा हम खींचते हैं। ठीक है, तो ये हमने A5 और A5 को मिलाने वाली रेखा खींची। इस रेखा ने जहाँ AB को काटा है वो बिंदु होगा हमारा B। ठीक है, अब B हमारे पास आ गया। तो जो ये AB जो रेखा है
वो ए बी की 5/2 गुनी लंबी है। अब हमें क्या ज्ञात करना, देखो कि बी सी के समांतर रेखा ज्ञात करनी है, तो बी सी के समांतर रेखा के लिए हम क्या करेंगे, फिर से प्रकार को खोलेंगे और एक चाप इससे काट देंगे और एक चाप इससे कहीं ऐसे काट देंगे। देखो ये ठीक से कटा नहीं, चाप ये चाप काट देंगे, ठीक है। फिर हम ये जो ये वाली जो दूरी है उसको हम मापते हैं, तो देखो ठीक से मापना है, ये लो माप ली, और फिर इसी चाप का एक लंबाई का एक चाप काट देंगे। इस बिंदु को हम नाम देते हैं बी डबल डैश। अब बी डबल डैश को हम क्या करते हैं, बी डे से मिलाते हैं और ये रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो बी डे इसको बी डबल डे से मिलाने वाली रेखा हमने खींच दी। ये जहाँ पे जब कटा है बिंदु, ये जिस बिंदु पे आया है, ये बिंदु हो जाएगा हमारा सी डेस, ठीक है। और हमने त्रिभुज ए बी डे सी डेस की रचना कर ली, और ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की वीडियो आप डाउट नेट पे देख सकते हो, इसलिए सर्च करो और देखो, ठीक है। डाउट नेट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।